जहां एक ओर हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सबसे चर्चित लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां की महिलाएं आज भी गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वैसे तो बाड़मेर जैसलमेर पर देश के दिग्गज नेताओं की नजरें हैं और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने आप को बाड़मेर का बेटा बताते हैं, साथ ही वो यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं, पर उनसे भी ये नज़ारा अभी तक छिपा हुआ है और यहाँ की समस्याएं जस की तस है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं देश में कितना कहाँ विकास हुआ है और कितना विकास होना अभी बाकी है। कई जगह रहो? राम सर। तो ये पानी की करोला? ये गप्पा तो गटरा होना नहीं है, पानी आज नहीं पिया है ब्रो। ये पानी नहीं पियो? तो अभी जो की करा नहीं आज रहे जी पिया वो। अच्छा, तो बीजू पानी के तुम मिला पीने वालों? ये ना पार ले आना, नोट ले आऊं दा भरे भरे। ये पानी के पीजे में तो नल लगाया रे घर घर के पानी वो में आएगा, नल लगाए जड्या सूख रही जी, पानी आएगा तो नल का।